बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने मंगलवार को बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के छतरपुर के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। उन्होंने छतरपुर में अपने अनुयायियों के सामने कहा कि हमें सूचना मिली है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जैन बोर्ड की चर्चा की है। ऐसे में भारत सरकार से चाहेंगे कि जब देश में वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि षड्यंत्र और प्रपंच रचने वाले सभी तत्वों पर रोक लगाकर हिंदू बोर्ड बनाए जाने की हम पूर्ण रूप से मांग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं की सहनशीलता देखकर हमारा खून उबाल मार रहा है कि हम लोगों के सामने कुछ लोग कितने बड़े बड़े प्रपंच रच रहे हैं। बता दें कि इससे पहले बागेश्वर बाबा ने मध्य प्रदेश में NCERT की कक्षा 3 की पर्यावरण पुस्तक को लेकर बयान दिया था। पर्यावरण की किताब के पाठ चिट्ठी आई है को लेकर एक अभिभावक ने शिकायत दर्ज कराई थी। खजुराहो के रहने वाले डॉक्टर राघव पाठक ने इसकी प्रशासन को शिकायत आपत्ति जताई थी। उसके बाद से ही मामला लगातार तोल पकड़ते दिख रहा है। अब बाबा बागेश्वर के बयान के बाद यह पूरा मामला और गर्मा गया है। उन्होंने कहा कि इस पाठ में लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया है। यही नहीं, उन्होंने उठाए कि कई प्रायोजित तरीके से हिंदू बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में पड़वाया जा रहा है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।